और दोस्त क्या हाल है। वो कहते हैं ना, जादू एक आंखों का धोखा होता है और हम इस दुनिया को अपनी आंखों से ही देखते हैं, पर ये हमारा दिमाग ही है जो ये डिसाइड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, है ना दोस्त। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इल्यूजन्स दिखाऊंगा जिन्हें देख के आपका दिमाग पक्का घूम जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सेम कलर, आप मानो या ना मानो, इन दोनों स्क्वायर्स का कलर एकदम सेम है। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ऐसा करो कि आप अपनी एक उंगली इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में रख के देखो। अब दिख रहे हैं ना दोनों एकदम सेम कलर के, यकीन ही नहीं होता है ना, पर ये सच है। हम ये दोनों कलर इसलिए अलग लगते हैं क्योंकि इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में एक ग्रेडियंट व्हाइट लाइन है। और तो और, ऊपर वाले स्क्वायर का बैकग्राउंड लाइट कलर का है और नीचे वाले स्क्वायर का बैकग्राउंड डार्क कलर का है, जिस वजह से ऐसा महसूस होता है कि दोनों का रंग अलग है। अगला आता है इल्यूजन डांसर। तो अब आप बताओ ये डांसर किस तरह घूम रही है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहोगे कि लेफ्ट साइड घूम रही है, कुछ कहोगे कि राइट साइड घूम रही है, पर अब देखिए, अब लग रहा है ना कि ये लेफ्ट साइड घूम रही है। एक मिनट, अब बताओ, अब लग रहा है ना कि ये राइट साइड घूम रही है। चलो अब तीनों इमेज को साथ में देखते हैं। क्यों, सर चक्कर आ गया ना। तो दोस्त यही है इल्यूजन, असल में ये डांसर दोनों तरफ घूम रही है। अगर आप इसे लेफ्ट सोचोगे तो ये लेफ्ट घूम रही है, अगर राइट सोचोगे तो राइट घूम रही है। इसलिए दोस्तों ये है एक माइंड ब्लोइंग इल्यूजन, है ना। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्री वुमेन। तो अभी आपको स्क्रीन पे उल्टी लटकी हुई तीन औरतें दिखाई दे रही हैं, और हाँ ये बहुत अच्छी भी लग रही हैं। मेरा मतलब इनमें कुछ अजीब तो नहीं है, पर चलो अब हम इस इमेज को सीधा करते हैं और इसकी खूबसूरती को अच्छे से निहारते हैं। Oh, no! अरे भाई ये तो उल्टी लटकी हुई ठीक थी, अब तो महा चुड़ैल लग रही है। तो कैसा लगा आपको ये वाला इल्यूजन। रुको रुको, अभी और भी है। असल में उल्टी इमेज होने पर भी इनके आंखें और इनके लिप्स सीधे थे, जिस कारण से अजीब नहीं लग रही थी, पर अगर सीधा देखे तो माशाल्लाह ऐसी खूबसूरती तो कहीं नहीं देखी, इतना कि इससे कैरी मिनाटी का बनाना मैन भी शर्मा आ जाए। टू एरोस। अभी आपको दो एरो दिख रहे हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इनके सामने एक ग्लास रखते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, शायद कुछ भी नहीं। तो चलो देखते हैं। अब इसमें पानी डाला और ओ नो, ये क्या हो गया। पता नहीं बट कैसे कि वो जो एरो है उसने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी। ये अभी का सबसे माइंड ब्लोइंग इल्यूजन है, पर आगे दोस्तों और भी है तो देखते रहिए। स्टेरिंग डायनासोर। एक नजर आप इन डायनासोर्स पर डालिए, आपको ये लगेगा कि आपको ये घूर रहे हैं, आप पे ज्यादा नजर रख रहे हैं। इस वीडियो में कैमरा लगातार घूम रहा है और इन डायनासोर्स की आंखें जैसे उसे ही घूर रही हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये क्या है, बट इट इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। अब मुझे पता है कि आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा, तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो आगे देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पे एक रूबिक्स क्यूब देख रहे हैं जो एक टेबल पर रखा है। अब आप ये देख रहे हो कि कोई इस पे अपने कॉइन्स रख रहा है। इसमें तो कुछ खास लग नहीं रहा, पर एक सेकंड रुकिए, ये कोई रूबिक्स क्यूब नहीं है, असल में बस ये एक पिक्चर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको साइंटिफिकली एनामॉर्फिक इल्यूजन्स बोलते हैं। कई सड़कों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए, जैसे कि ये वीडियो। जब आप इस इमेज को एक पर्सपेक्टिव से देखते हो, यानी एक डिस्टेंस से देखते हो, तो आपको एकदम 3D लगता है, तो आप भी दंग रह गए ना। और इसका फायदा ये होता है ताकि गाड़ियां स्लो हो जाएं, उनको दूर से ही एक बच्चा दिखेगा और वो अपने आप ही स्लो हो जाएंगी। तो आप भी अपने घर पर कर सकते हैं और अपने सारे दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। मैं इसको बनाने का वीडियो का लिंक नीचे जरूर छोड़ दूंगा, स्मॉल और बिग। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों पेंसिल्स में से कौन सी बड़ी है। सिंपल, एक पेंसिल को चूज कर लीजिए। आप में से कई लोगों ने राइट हैंड साइड वाली चूज करी होगी, अगर हाँ तो आप गलत हैं। असल में तो दोनों पेंसिल सेम साइज की है, बस पर्सपेक्टिव इमेज के कारण ये छोटी बड़ी दिखाई दे रही है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से और एग्जांपल रखे हैं। यहाँ पर भी जो ऊपर वाली लाइन है वो बड़ी दिख रही है, बट एक्चुअल में ये दोनों सेम साइज की हैं। रोड्स। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी रोड अलग लग रही है, यानी कि ऑड लग रही है। मुझे नहीं पता आप कौन सी कह रहे हो, पर मुझे तो राइट साइड वाली लग रही है। शायद आप लोगों को भी वही लग रही हो, पर हम गलत हैं, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड वाली दोनों रोड सेम है, और जो रोड अलग है ना यहाँ पर, वो है बीच वाली, है ना अमेजिंग। अगला इल्यूजन है बॉल्स।
इस इल्यूजन को देखने में लग रहा है कि मानो सारी बॉल्स एक ऑर्बिट पैटर्न में घूम रही हैं और साथ ही चलते चलते अपना कलर्स भी चेंज कर रही हैं। पर अब आप केवल एक बॉल को देखिए और आपको ये पता चलेगा कि हर एक बॉल अंदर बाहर अपनी ही जगह पर कूद रही है और केवल एक ही कलर में है। हमारा दिमाग सच में एक महान चीज है जो कई बारी हमें उल्टा सोचने पर मजबूर कर देता है। आप इस पेंटिंग को देखिए जो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से पोजीशन यानी कि पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेती है ना अमेजिंग पेंटिंग। तो देखते रहिए क्या है इसका राज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें आने वाली वीडियो के सजेशंस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।